कहते हैं भारत में अब तो पकौड़ों के लिए भी बहुत लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं। अब कंफ्यूजन ये हो गया है कि भारत को ये नहीं समझ में आ रहा है कि नेशनल फूड जो है भारत का वो खिचड़ी है, पकौड़ा है, क्योंकि नेशनल ड्रिंक तो लगता है अब चाय ही होगी। क्या आप लोग ये जानते हैं कि 73% हाँ जी 73% ऑफ भारत की वेल्थ बिलोंग्स लास्ट ईयर 73% ऑफ भारत का पैसा कमाया 1% लोगों ने। हाँ जी सही सुना आपने, ये एक ऑक्सफैम सर्वे होता है जो डेवोस स्विट्जरलैंड के टाइम जब वो मीट होती है उसके एक दिन पहले रिलीज होता है। 73% पैसा भारत का पिछले साल में 1% लोगों को गया है। और मुझे लगता है अब जब मिस्टर मोदी वहां डेवोस में इतनी बर्फ पड़ रही है जहां पे वहां पे गए हैं एक इंडिया सेलिंग की पिच करने के लिए, मुझे नहीं लगता कि भारत का वो जो 1% है ना जो 73% पैसा कमाता है उसमें से कोई भी पकौड़े नहीं बेचता होगा। अगर आपको कोई पकौड़े बेचने वाला मिल जाए उस 1% में तो प्लीज मेरी तरफ से मेरे प्यारे भक्त भाइयों को वो एक एग्जाम्पल दे दीजिएगा सो दैट दे हैव समवन टू लुक अप टू, है ना जी। कोई आइडल होना चाहिए ना। जो भारत की 73% पैसा है जो 1% लोगों ने कमाया है उसकी कोई एग्जाम्पल दे देना कि उसमें से कोई पकौड़े बेचता है। तो मेरे भक्त भाई जरा जो हर बात पे जहां मिस्टर मोदी का नाम आया लो जी गाली गलौज शुरू, भारत की सांस्कृतिक विरासत का नमूना पेश करना शुरू कर देते हैं आप सोशल मीडिया पे। आपको क्या लगता है आपको 2019 में वोटे हम इसलिए देंगे क्योंकि आप हमें गाली गलौज करते हैं? भक्त भाइयों थोड़ा लॉजिक लगाया करो हैं, और लॉजिक ना लगे तो थोड़ा अपने मुंह पे बेसन लगा के कढ़ाई में डुबा लेना, अच्छे से भुने हुए पकौड़े बन के बाहर निकल आओगे। हैं जी ठोक दो जी अब जी, ताकि सबको पता लग जाए जी कि देश जो है ना जी खिचड़ी और पकौड़े पे नहीं चलता है जी। नमस्ते जी, थैंक यू जी, ओके जी, बाय बाय जी।